आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। के हौसले हुए बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। नीमगांव कोतवाली क्षेत्र के सिकंदराबाद का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लखीमपुर खीरी में इस वक्त बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को अपना निशाना बनाते हुए उसे गोली मार दी है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं नीमगांव कोतवाली क्षेत्र के सिकंदराबाद का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब कहीं ना कहीं बदमाशों में पुलिस का भय जो है वो लखीमपुर खीरी में खत्म होता दिखाई दे रहा है, जहां पर दिन दहाड़े एक युवक को बदमाशों ने अपना निशाना बना दिया और युवक को गोली मार दी है। नीमगांव कोतवाली क्षेत्र के सिकंदराबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने युवक को अपना निशाना बनाते हुए युवक को गोली मार दी है। दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं जो बदमाश है वो पूरी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे लखीमपुर संवाददाता धीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धीरज, लखीमपुर खीरी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक युवक को दिन दहाड़े अपना निशाना बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल बता दें, लखीमपुर खीरी के नीमगांव कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक युवक की सरेआम दिन दहाड़े बीच रोड पर गोली मारकर हत्या की गई है। जिस तरीके से लोगों का आना जाना गोला सिकंदराबाद मार्ग है, जहां पर लोगों का काफी आना जाना रहता है, जस्ट जहाँ घटना स्थल है वही घटना स्थल के जस्ट बगल में ही पेट्रोल पंप भी है। लेकिन बदमाशों के अगर देखे जाए तो हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना को एक अंजाम देते हैं, और वहीं पर नीमगांव कोतवाली पुलिस का भय बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और परिजनों से हमारी बात हुई है तो परिजन बता रहे हैं कि साइलेंट जो मृतक है, इनसे कल एक क्रेशर पे, गन्ना क्रेशर पे इनका कुछ थोड़ा बहुत विवाद हुआ था, उसके बाद में आज ये घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं से कल से विवाद से जुड़ी हुई ये घटना मानी जा रही है क्षेत्र में। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो धीरज हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए थे, जहां पर वो जानकारी दे रहे थे कि लखीमपुर खीरी में आज एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां दिन दहाड़े एक युवक पर गोली चलाई गई। और इसी बीच महाराजगंज से बड़ी खबर, जहां पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड में दिखाई दिया है। आचार संहिता लागू होने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बता दें कि परतावल चौक से बाजार तक ये मार्च निकाला गया है। तो पुलिस की तरफ से ये मार्च निकाला गया है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा,